तो 15 डेज में, आप एक महीने का बता रहे हैं, हम एक ही 15 डेज में कंप्लीट कर लेंगे। हाँ हेलो गाइस, दिस इज गौरव सिंह, आप सबका स्वागत है हमारी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। सो गाइस, आप देख रहे हैं हमारा चैनल एडिकेटेड, जहाँ पे आपको फ्री ऑफ कंटेंट मिलता है। हाँ गाइस, आज वीडियो में बात करने वाले हैं कि कैसे आप कंप्लीट कर सकते हैं सोशल साइंस का सिलेबस एक महीने के अंदर। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि एक महीने के अंदर आप कैसे साइंस का सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। और हाँ, एक वीडियो मैंने आज डाली है जो कि है पूरी सिलेबस जो आया न्यू पैटर्न हुआ है CBSE का क्लास 9, क्लास 10, क्लास 11, क्लास 12 के लिए, ठीक है, सबके लिए है, ठीक है। जाके आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी लिंक या तो फिर आपको आई बटन में मिल जाएगी वीडियो, ठीक है। तो चलिए आज वीडियो में स्टार्ट कर देते हैं। उससे पहले बता दूँ, वीडियो को स्टार्ट करने से अगर आपने मेरा पॉडकास्ट नहीं सुना है, ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके सुन सकते हैं, 11 प्लेटफॉर्म पे आपको मिल जाएगा। और बात करते हैं साइट की, ठीक है, वहाँ पे आपको सारे नोट्स कॉन्सेप्ट मिल जाते हैं, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो में, गाइस जैसे कि आपको पता, अगर आप एडुकेटिव व्यूअर हैं तो आपको पता होगा कि सबसे पहले हम क्या देखते हैं, पहले हम देखते हैं वेटेज, ठीक है, कि मतलब कितना मार्क्स का क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं, ठीक है। उसके हिसाब से हम स्ट्रेटजी बनाते हैं, फिर हम देखते हैं कि एक महीने के अंदर उसे कैसे कंप्लीट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने नोट कर रखा है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। हाँ तो गाइस, यहाँ पे हमने नोट कर लिया वेटेज, ठीक है। तो इंडिया एंड कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड से हमारा आने वाला है 20 मार्क्स का, ठीक है। कंटेम्प्रेरी फर्स्ट, इंडिया फर्स्ट से आने वाला है 20 मार्क्स का। बात करें डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स की, तो उसमें से भी 20 मार्क्स का ही आने वाला है, और इकोनॉमिक्स से भी 20 मार्क्स का आने वाला है। अब हम देखते हैं हमारा पेपर कितने मार्क्स का होता है, 80 मार्क्स का होता है, ठीक है, जिसमें कि हम 20 मार्क्स में डिवाइड कर देते हैं। हमारे फोर सब्जेक्ट्स होते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड सिविक्स, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं, इन चारों को मैंने डिवाइड करके रख दिया, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसमें हमको सबसे ज़्यादा ध्यान किस पे देना है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा ध्यान किस पे देना है, ऑब्वियसली चारों पे देना है, ठीक है, ऑब्वियसली चारों पे ही देना है, ठीक है। मार्क डिस्ट्रीब्यूशन जो वो भी इक्वली है, ठीक है। तो हम ये भी नहीं सोच सकते कि जिसमें ज़्यादा मार्क्स है तो उसको ज़्यादा फोकस करेंगे, ठीक है। हाँ, तो देखो यहाँ पे दिया हुआ है सेक्शन नंबर 1 में, मैंने लिखा हुआ पूरा, ठीक है। पहला तुम्हारा कितने चैप्टर हो गए, पहला चैप्टर हमारा हिस्ट्री में आएगा, फ्रेंच रेवोल्यूशन, सोशलिज्म इन यूरोप, ठीक है। थर्ड चैप्टर नाज़ीज़्म एंड राइज ऑफ दी एंड राइज ऑफ दी हिटलर, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा हिस्ट्री का, ठीक है, ये तो तुम्हारा हो गया हिस्ट्री का, ठीक है। तीन चैप्टर हैं, ठीक है, तो हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं हिस्ट्री में हमारे कितने चैप्टर हैं, 3 चैप्टर हैं, ठीक है। फिर आता है तुम्हारा, देखो फिर आता है तुम्हारा ज्योग्राफी का, ठीक है। तो ज्योग्राफी में कितने चैप्टर हैं, देखो एक तो हो गया, पहला हो गया हमारा इंडिया, फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया, ठीक है, ड्रेनेज हो गया, ठीक है, क्लाइमेट हो गया, नेचुरल वेजिटेशन हो गया, ठीक है। तो इसमें से हम ये कितने चैप्टर हैं हमारे, 5 चैप्टर हैं, ठीक है। फिर हम बात करते हैं अपने सिविक्स की, ठीक है। तो सिविक्स में एक चैप्टर व्हाट इज डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी, ठीक है। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन, ठीक है। इसमें तुम्हारे कितने चैप्टर हैं, 4 चैप्टर हैं, ठीक है। फिर आता है हमारा लास्ट में इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स में कितने चैप्टर हमारे होने वाले हैं, 3 चैप्टर होने वाले हैं, ठीक है, ठीक है। तो देखो क्लास 9th, ठीक है, और ठीक है, तो ये इसमें से 3 चैप्टर आने वाले हैं, इसमें से 5 चैप्टर, इसमें से 4 चैप्टर, इसमें से 3 चैप्टर होने वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखा जाए इसके अलावा, ठीक है, मीन्स उसके अंदर ही इंक्लूड कर सकते हैं हम, मैप हो गया, ठीक है, तो वो तो हो गया तुम्हारा हिस्ट्री और ज्योग्राफी का मैप देख लिया, ठीक है। अब इसे कैलकुलेट करते हैं, ये हो गया 5, 4 कितना हो गया, 9, 9 प्लस 3 हमारा कितना हो गया, 12 प्लस 3 हमारा कितना हो गया, 15, ठीक। तो ये है हमारा बनता है 15 डेज का, ठीक है। मैंने बात की है एक महीने की, ठीक है, मैंने बात की है एक महीने की। अब एक महीने में तुम कैसे इसे कंप्लीट कर सकते हो, तुम देखोगे भैया यहाँ पे तो 15 डेज में, आप एक महीने का बता रहे हैं, हम एक ही 15 डेज में कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। अगर तुम एकदम सही से क्लियर कर, एकदम क्लियर कट है तुम्हारा पहले से, ठीक है, तुमने समझ रखा है, तो तुम 15 डेज में कर लोगे अगर तुम पहली बार पढ़ रहे हो, ठीक है। और अगर तुमने चैप्टर नहीं पढ़े तो भी मैं गारंटी कह रहा हूँ 15 डेज में नहीं खत्म होने वाला, ठीक है। तुम्हारा टाइम, और ये भी बता दो तुम्हारा टाइम किस में लगेगा, तुम्हारा टाइम इसमें लगेगा हिस्ट्री में, ठीक है। हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है चैप्टर समझने में, ठीक है, इसमें जो क्वेश्चन आंसर लर्न करने में, ठीक है, चैप्टर के बीच से जो भी चीज़ होती है उनको समझने में। ज्योग्राफी में मैप में दिक्कत आती है, ठीक है, याद ही नहीं होता कहाँ पे कौन सी चीज़ है, ठीक है। तो हमारी जो टीचर थी, ठीक है, उन्होंने तो पूरा मैप ही डटवा दिया था, ठीक है, मतलब जितनी स्टेट्स हैं सारे के नाम
एकदम जैसे हम लोग मैप देखते थे सब एकदम याद आ जाता कि हाँ ये उत्तर प्रदेश, ये दिल्ली है, या आंध्र प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश है, जितना भी है, ठीक है, सारी चीज़ें हम लोग एकदम, हाँ सारी चीज़ें एकदम रट गई थी, ठीक है, वो भी कैपिटल के साथ, ठीक है, स्टेट और कैपिटल, ठीक है, सारी चीज़ें एकदम रट गई थी, ठीक है। तो देखो अगर इसके हिसाब से देखेंगे तो 15 डेज में, लेकिन हम एंड ओवरऑल लेके चलते हैं 20 डेज में, ठीक है, मैंने एक महीने का बोला लेकिन 20 डेज में एक बार लेके चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे है तीन चैप्टर, अगर तुम एक चैप्टर को दो दिन दोगे तो तुम्हारे हो गए छः चैप्टर, छः दिन हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे बढ़े तीन दिन, तीन दिन अगर हम इसमें बढ़ा लें कितना हो गया, 15 प्लस 3 हो गया 18। अब 18 में दो दिन और बढ़ा लें, कहाँ बढ़ाएंगे हम, ज्योग्राफी में बढ़ाएंगे, मैप वाले में, ठीक है, दो दिन में हम मैप प्रैक्टिस करेंगे, जितने भी MCQs हैं इन चैप्टर के बेस से वो भी करेंगे। अब मैंने MCQ को बोला है, ठीक, तो जो न्यू पैटर्न आया उसके हिसाब से बता रहा हूँ। MCQ देखो, तुम्हारा जो एग्ज़ाम होने वाला है वो 50% सब्जेक्टिव होगा, 50% ऑब्जेक्टिव होगा, ठीक है, क्लास 9, क्लास 10, क्लास 11, क्लास 12 जितना भी है सबका बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखो 50% जो तुम्हारा है वो है MCQ, ठीक है, और जो 50% है वो है तुम्हारा कौन सा, सब्जेक्टिव। अब तुम कहोगे भैया हम तो MCQ पढ़ लेंगे पास हो जाएंगे, बस बहुत है, ठीक है, पास होना नहीं हमें, ठीक है, हमें क्या करना है, हमें 90% तक की फोड़ना है, 90-95% तक की फोड़ना। अब वो कैसे होने वाला है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो देखो 50% MCQ है, 50% सब्जेक्टिव है। अब तुम्हें इस पे ध्यान किस पे देना है, तुम्हें देना है सब्जेक्टिव पे, हाँ तुम्हें देना है सब्जेक्टिव पे, ठीक है। MCQ तुम्हारा ऐसे ही प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है। MCQ अब कैसे होगा मैं बताता हूँ, बता रहा हूँ, ठीक है। देखो जब तुम NCERT चैप्टर पढ़ रहे होगे, ठीक है, तो MCQ क्या होगा उसके बीच सही आएगा, ठीक है, केस बेस स्टडी, ठीक है, जो तुम्हारे सोर्स टेक्स्ट क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, मीन्स जो येलो येलो बॉक्स में होते हैं चैप्टर के बगल में, ठीक है, चैप्टर के मतलब जो एक पेज होता है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे चैप्टर दिया है पूरा चैप्टर, उसके बगल में सोर्स ए सोर्स बी टाइप में दिए रहते हैं, हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, ठीक है, हिस्ट्री या और ज्योग्राफी में की नोट्स होते हैं, ठीक है, ब्लू ब्लू बॉक्स में दिए होते हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें उनमें से भी तुम्हारा आ सकता है, ठीक है। तो ऐसा मत समझना वो सब किनारे दिए तो उनको किनारे छोड़ ही देंगे, ठीक है, उनको भी पढ़ना है। MCQ है, ठीक है, तुम्हें 50% दे रहे हैं MCQ, 50% सब्जेक्टिव दे रहे हैं, पैटर्न ईजी करे देने, ठीक है, लेकिन जो क्वेश्चन टाइप है वो डिफिकल्ट होगा, ठीक है, डिफिकल्ट तो हो गई, अगर कोई चीज़ वो ईजी करे तो एक चीज़ ना एक चीज़ तो डिफिकल्ट रहेंगे, ठीक है, नहीं तो ऐसे तो MCQ पढ़ ली सब पास होते जा रहे, ठीक है, एकदम ईजी हो जाएगा, ठीक है, तो इसलिए नहीं। तो हमें क्या करना है, चैप्टर पढ़ना है, ठीक है, चैप्टर पढ़ लिया, MCQ उसके बीच से आना, MCQ हमारा 50% क्लियर हो गया। अब हमें ध्यान किस पे देना है, सब्जेक्टिव पे। अब सब्जेक्टिव में सबसे ज़्यादा यही दिक्कत है कि क्वेश्चन आंसर कैसे लर्न करे जाए। क्वेश्चन आंसर लर्न करने के लिए तुमको एक तरीका आता है, ठीक है, क्वेश्चन आंसर लर्न करने के लिए सिर्फ एक तरीका है, जो भी जितना बड़े क्वेश्चन है, ठीक है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन तो तुम्हें लर्न ही हो जाएंगे। हम बात करते हैं बड़े क्वेश्चन की, ठीक है, बड़े क्वेश्चन मीन्स जो लॉन्ग क्वेश्चन है, उसमें क्या होता है कि जो बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं उनको लर्न नहीं कर पाते हैं, ठीक है, तो उनके लिए तुम पॉइंट्स में लिखो, ठीक है, मैंने एक वीडियो बना के रखी, आई बटन पे मिल जाएगी, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन को कैसे लर्न करें। अब वो इंग्लिश के भी हो सकते हैं, हिंदी के भी हो सकते हैं, और सोशल के भी हो सकते हैं, साइंस के भी हो सकते हैं, ठीक है, तो ऐसे नहीं वो मैंने एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट के लिए बनाई है या एक स्पेसिफिक लोगों के लिए बनाई, सबके लिए है, ठीक है, भले तुम चाहे जिस क्लास में तुम 9, 10, 11, 12 से अलग भी हो, ठीक है, तब भी अगर क्वेश्चन आंसर लर्न करो तो बड़े भी होंगे लॉन्ग क्वेश्चन होंगे तो उन्हें कैसे लर्न करना है मैंने पूरी स्ट्रेटेजी उसमें बताई है कि कैसे तुम्हें लर्न करना है, ठीक है, तो जाके देख लेना, आई बटन पे मिल जाएगी, ठीक है। तो मेन हमें किस पे ध्यान देना है, सब्जेक्टिव पे। अब बात आते हैं कैसे एक महीने में कंप्लीट करना है, ठीक है, तो देखो वो हम देखेंगे, तो ये 20 डेज हमारा बनता है, ठीक है, हाँ तो हम ये कह सकते हैं 20 डेज में हमारा कंप्लीट हो जाएगा, 20 डेज में कंप्लीट हो जाएगा। अब ऑन एन एक एवरेज में स्टूडेंट लेते हैं, ठीक है, जिसको थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है, तो उसके हिसाब से देखें 10 दिन एक्स्ट्रा बढ़ा लिए जाएँ। 10 दिन एक्स्ट्रा क्यों बढ़ाए जाएंगे, क्योंकि उसको थोड़ा टाइम लग सकता है, चैप्टर हिस्ट्री में जहाँ पे तुमको दो दिन में एक चैप्टर प्रिपेयर हो रहा है उसको 4 दिन में एक चैप्टर प्रिपेयर हो, इकोनॉमिक्स का तुम्हें एक दिन में एक हो जा रहा है, एक दिन में दो हो जा रहे हैं, वहीं पर दूसरे को एक दिन में एक ही हो रहा है या दो दिन में एक हो रहा है, ठीक है, तो इसलिए ऑन एन एवरेज अगर लेके चलें तो तुम मैक्सिमम टू मैक्सिमम भी लेकर चलोगे एक महीने के अंदर ईजिली तुम कंप्लीट कर सकते हो क्लास 9 की सोशल साइंस, ठीक है। और तुम ये देख लो अभी से कितने टाइम है हमारे पास, जुलाई है, अगस्त है, सितंबर है, अक्टूबर है, नवंबर है, दिसंबर है, जनवरी है, फरवरी है, ठीक है, फरवरी तक है, ठीक है, कितने मंथ्स हो गए हमारे पास, 8 मंथ्स हो गए। एक ही चीज़ को 8 बार पढ़ लोगे तो दिमाग में रट जाएगी कि नहीं रट जाएगी, कमेंट करके जरूर बता देना, ठीक है, रटेगी कि नहीं रटेगी, ठीक है, एक बार करके देखना। तुम 8 महीने नहीं, तुम ये वीडियो देख लो आज से स्टार्ट करो, 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद, ठीक है, तुम कमेंट करना एक क्वेश्चन, एक चैप्टर को तुम एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट को ले लो, हम कह रहे हैं, ठीक है, तो इकोनॉमिक्स करो और जो स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ एक महीने में तुम पूरा सोशल खत्म कर लो, दूसरे महीने में दूसरा खत्म कर लो, और फिर तुम तीसरे महीने में तुम कहोगे कि हाँ मैं जितना पहले भूलता था उतना नहीं भूल रहा हूँ अब, ठीक है, उतना नहीं भूलोगे, भले थोड़ा सा और भूल जाओ, ठीक है, और अगर तुमने कैपेसिटी बहुत अच्छी है तुम्हारे ब्रेन, तब तुम एक महीने में ही इजली एक बार में सब
अच्छे से तरीके से समझ लोगे। ठीक है, तो ये है पूरी स्ट्रेटेजी कि कैसे हमें एक महीने के अंदर कंप्लीट करना, या तो हम यही कह सकते हैं 20 डेज में कैसे हमें कंप्लीट करना है। ठीक है, लेकिन ऑन एन एवरेज मैक्सिमम को लेके हमने कहा है कि एक महीने में कैसे कंप्लीट करना है। ठीक है, तो बस आज की वीडियो इतना है, तब तक के लिए जबरदस्त चैन। ठीक है, उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। ठीक है, और फॉर मोर वीडियो सब्सक्राइब अवर चैनल एडुकेटिव्स। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।